हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आगे प्यार चैनल दीपक भाई दूसरी क्लास इन चॉप्टर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि ये प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में जो कि निकाला है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास इन जॉब्स, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो है आपका मैं बीएससी एमएससी या पीएचडी रिलेटेड नोटिफिकेशन को रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पे अगर बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने हैं, चाहे वो आप जो है नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएसआई जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईसीएमआर जीआरएफ, डीबीटी जीआरएफ या गेट, तो आपको मेरे चैनल पर बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखे नेम और प्रोजेक्ट टाइटल, आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है नेम और पोस्ट मेंशन कर रखी है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एमोलूमेंट भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यू है जो कि 2 नवंबर 2021 को फ्रॉम 10:30 एम ऑनवर्ड्स एट ले रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ टू वर्क अंडर वेरियस एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स एज डिटेल्ड बिलो। तो आपको यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू देना है जो कि 2 नवंबर को है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वहाँ जाके जो है आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, साथ ही साथ जो नेम ऑफ पोस्ट है जैसे कि जेआरएफ है या जेपीएफ है, इसका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कि आपके एसेंशियल आपके रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपको क्या होनी चाहिए और जो एमोलूमेंट्स है वो आपको क्या होगा। तो अगर आपको नेट क्वालिफाई आप हैं तो आपको यहाँ 31,000 जो एमोलूमेंट्स मिलेगा या फेलोशिप मिलेगी, प्लस आपका जो है एचआरए भी यहाँ पे मेंशन रहेगा। उसके अलावा आपके पास नॉन नेट है यानी कि नेट नहीं है तो आपको यहाँ पे 20,000 प्लस एचआरए आपको यहाँ पे दिया जाएगा। फंडिंग एजेंसी सीएमपीए है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने जो है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट निकाली, चाहे वो जेआरएफ की हो, जेपीएफ की हो, प्रोजेक्ट असिस्टेंट हो, एसपीएफ हो या आपका जो है जेपीएफ, तो ये सारी पोस्ट इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तब भी आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको एक्सपोजर मिले अच्छे इंस्टीट्यूट का, ठीक है। तो सारा यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कौन कौन सी पोजीशन मेंशन रखी है, कौन कौन सी पोस्ट मेंशन करी है, और साथ ही साथ जो है पीआई मेंशन कर रखे हैं कि कौन से पीआई के अंदर क्या क्या जो है पोस्ट इन्होंने निकाली है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे वैरायटी है प्रोजेक्ट्स की, और आप जिस भी प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट जो है पूरी प्योरली जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर फॉर पीए, 28 ईयर फॉर जेपीएफ जेआरएफ एंड 30 ईयर फॉर एसपीएफ इन्होंने मेंशन कर रखी है। इसके अलावा अगर आप जो है एससी एसटी या वुमेन से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वहीं अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने फोटोग्राफ ले जाना है, एक 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो ले जाने हो, और आपको जो है इंटरव्यू देने के लिए रेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप जो है लाइक इंटरव्यू अपना वॉक इन दे सकते हैं। तो वॉक इन इंटरव्यू तो आप डायरेक्टली अपने एक फोटोग्राफ और आपका सीवी और आपके जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं वो सारे आप जो उसके ओरिजिनल कॉपी ले जाइए, साथ ही साथ जो है आप उसका जो है जेरोक्स भी ले जा सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म मेंशन कर रखा है तो इस फॉर्म को आप अपनी से इसका प्रिंट आउट निकाल इसे फिल करके रख सकते हैं ताकि आपको वहाँ पर फॉर्म भरने की कोई जरूरत ना हो, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए तो आप इसके लिए जरूर जाइए ताकि आपको जो है रिसर्च का एक्सपोजर मिले अच्छे से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तिल टेक केयर, बाय बाय।